साहिवाल शहर भर के अक्सर कूड़ादान गलाजत से भरे पड़े हैं और इनके अंदर और बाहर भी गंद और गलाजत है, जिसकी वजह से मकीनों का जीना दोभर हो गया है। बदबू के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खतरा, मच्छरों के साथ डेंगू की अफजाइश नस्ल का भी खतरा। तफसीलात के मुताबिक शहर भर के अक्सर कूड़ादान गंद और गलाजत से भरे पड़े हैं और इनके अंदर और बाहर भी गंद और गलाजत है, जिसकी वजह से शहरियों का जीना दोभर हो गया है। बदबू के सबब मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खतरा, मच्छरों के साथ डेंगू की अफजाइश नस्ल का भी खतरा है। बाज़ जगहों पर सीवरेज लाइन की बंदिश के सबब गली मोहल्लों में गंदा और गलीज पानी कई रोज से जमा है, जिसके सबब आने जाने वालों को शदीद परेशानी और दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका की शिकायत के बावजूद कोई उसाने हाल नहीं है और ना ही कॉरपोरेशन का अमला कुछ सुनता है और ना ही मुतलका इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे रही है। और इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि शहर के अहम इलाकों बिलाल कलोनी, तारक बिन ज़ियाद कलोनी, फतेह शेर कलोनी, फ्रीड टाउन, कोट खादम अली शाह, अनायत इलाही कलोनी, साबर कलोनी, रसूलपुर कलोनी और अंदरूने शहर की सतह पर सेहत व सफाई की ये सूरत हाल है कि जो के डिविजनल सतह पर है और इनकी गफलत व बेहसी का मुँह बोलता सबूत है। अहले इलाका और शहरियों ने शहर भर के सफाई सुथराई के हवाले से मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर गाजी से फौरी तौर पर नोटिस लेने और गंदगी और गलाजत के ढेरों और जुहड़ों के खात्मे का भरपूर मुतालबा किया है।